हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम सवाई माधोपुर से निकले थे, अब हमें चित्तौड़ के सांवरिया सेट होके फिर कुंभलगढ़ जाना था। तो हम ये रात को 8-1 बजे तक हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, और जहां मैं होटल में रुकी थी, नीचे पार्लर था, तो मैंने यहाँ मेरे बालों की थोड़ी थोड़ी लेंथ कम करवाई, और उसी होटल में ऊपर बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो हमने उस बर्थडे पार्टी को देखा, हमने अपना ऑर्डर किया, खाना गया, और हम जस्ट सो गए क्योंकि हम बहुत लंबा चल के आए थे। गुनु बोल है गाइस, बोल हाँ खिलौना बोल है गाइस। जो सांवरिया सेठ मंदिर है वो चित्तौड़ सिटी से लगभग 35 अराउंड अंदर की उस तरफ है। तो हमें थोड़ा अंदर जाकर जाना था, और गाड़ी हमें बहुत दूर पार करवाती थी, तो थोड़ा पैदल चल के जाना था। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, बाहर से प्रसाद नहीं लेना होता, वहाँ अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं होता। हमें उन्होंने दे दी थी, लेकिन उन्होंने हमसे बाहर ही रखवा ली थी। तो ये मंदिर बन रहा है और काफ़ी अच्छा बन चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और ये राजस्थान का समझ लीजिए जैसे प्रेम मंदिर है, कीर्ति मंदिर है वृंदावन का, वैसा ये राजस्थान का ये सांवरिया सेठ का मंदिर है। और चित्तौड़ में हमें सिर्फ एक इसी जगह जाना था, हमने और कोई फोर्ट विजिट नहीं किया, और बाकी जो भी सिटी थी हमने कुछ नहीं देखा। सीधा सुबह उठे, मंदिर आए, और फिर आगे कुंभलगढ़ के लिए निकल गए थे। और ये जो मंदिर है, इसका ना जो एरिया ना वो काफ़ी बड़ा है। दोनों तरफ ऐसे गैलरीज बनी है, और जैसे एक तरफ से जाने के लिए, एक तरफ से उस दर्शन करके आप निकलोगे तो उस तरफ से निकलना है। और बनावा भी बहुत था, और इन प्रोसेस भी था हर जगह। मतलब कुछ काम हो चुका था, कार्विंग चल रही थी दीवारों पे, कुछ जगह पूरी हो चुकी थी। वहाँ से हम दर्शन करके, हमने लंच वहाँ किया नहीं क्योंकि अच्छा हमें कुछ खाने को दिख नहीं रहा था होटल। वहाँ हम सीधा कुंभलगढ़ के लिए निकले, और ये हम कुंभलगढ़ पहुंच गए थे। हम अराउंड 1 बजे वहाँ से निकल गए थे, और फिर यहाँ हम 3-4 बजे तक, 4-5 बजे तक हम यहाँ कुंभलगढ़ पहुँच गए थे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका मैं फटाक से रूम टूर दे देती हूँ। होटल का नाम था रावासा प्रॉपर्टी। ये हमने इसलिए बुक किया था क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन है। तो अगर आप कहीं से भी हो और प्योर वेजिटेरियन हो, जहाँ नॉनवेज नहीं भी बनता हो, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, आप इसको देख सकते। ये एकदम नई प्रॉपर्टी बनी हुई थी, तो इनकी थोड़ी सी सर्विस धीरे थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश फील हो रहा था। तो इसके बाद हमने लंच किया यहाँ पहुँच के, और व्यू काफ़ी अच्छा था। और कुंभलगढ़ का ना यही सीन है, हर पहाड़ को लेके अपने अपने होटल्स बनाए हुए हैं, और इतने होटल्स बन रहे हैं ना वहाँ पे, हमने देखा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज बनती जा रही है। तो यहाँ हमने पहले आके लंच ऑर्डर किया, खाना वाना खाया, फिर हम पूल साइड गए। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने, जो कि यहाँ सच कुछ घूमने जैसा है नहीं, फिर भी देखते हैं नाइट लाइफ। इन भैया से पूछेगा। ये मेरी होटल का बाहर से व्यू है, और हमने डिनर किया और जाके सो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ कुंभलगढ़ में, अब हम जा रहे हैं फोर्ट देखने, कुंभलगढ़ का फोर्ट, फिश देखने, सी पॉइंट। तो यहाँ कुंभलगढ़ में 2-3 पॉइंट है, जैसे फिश पॉइंट है, एंड एक वो कदम रक्स, और जहाँ मंदिर है, 3-4 मंदिर है वो, और फोर्ट। ये 3-4 जगह ही है जो कि विजिट किया जाता है, बाकी तो कुंभलगढ़ पार्टी और व्यूज़ के लिए ही फेमस है। तो हमने ये एक ऐसे जिप्सी की थी, इसने हमसे अराउंड 2,2500 कुछ चार्ज किया था, और इसने पूरा दिन हमें जो भी पॉइंट से वो दिखाए थे। तो सबसे पहले हम आए थे ये फिश पॉइंट। भाई साहब, आपको यहाँ एक भी मछली इतना बाहर से दिखेगी नहीं, और यहाँ की मछलियाँ नमकीन खाती है। और अगला नेक्स्ट व्यू देखो आप, जैसे ही हमने 2-3 दाने फेंके मछलियों के, वो उस नमकीन को खाने के लिए ऐसे झपटी, जैसे मतलब उनको देख के थोड़ा अलग सा ही फील हो रहा था। इतनी बड़ी बड़ी थी और लड़ रही थी खाने के लिए, इसीलिए इनको ना इनका नाम भी आई थिंक वो था अमेरिकन फाइटिंग फिश। ये देखिए,
ये मुंह खोल के ही खड़ी हो गई थी कि सीधा डायरेक्ट मुंह में ही फेंक दो हमारा खाना। तो हमने पहले तो एक ही पैकेट लिया क्योंकि हमें पहले मछलियाँ दिख नहीं रही थी, फिर हमने 3-4 पैकेट लिए और उनको खिलाए। उसके बाद हम निकले थे फोर्ट विजिट के लिए और फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन जो इतनी हाइट पे है भाई साहब, बहुत हाइट पे है, यहाँ से वो 36 किलोमीटर वाली वॉल भी अच्छे से दिख रही थी। और हमने एंटर किया, इसमें दो तरीके से हम विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट, आप फोर्ट के अलावा उधर 4-5 पॉइंट है वहाँ हम जा सकते हैं, और सेकंड पूरा फोर्ट देख सकते हैं, और दोनों भी कवर ही कर सकते हैं। लेकिन इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है अगर आप 4-5 पॉइंट उधर वाले ये मंदिर और कवर करके आओगे, तो फोर्ट विजिट नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट एकदम ऊपर, जो कि भयंकर चढ़ाई है, और अभी से हमारी हालात थोड़े ठीक नहीं है। लेट मी शो यू व्यू। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये इतना ऊपर आके किला पहले ही वाले लोग बनाते कैसे थे? माना इनकी जनता का यही काम था राजा के नियम फॉलो करना, बट इतना औसम कैसे बन सकता है वो भी इतना ऊपर? और ये कुंभलगढ़ में ना ऐसे लेवल पे चढ़ाई थी, और यहाँ फर्स्ट लेवल से जो 36 किलोमीटर जो सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वो अच्छे से दिखाई दे रही थी, जहाँ पे काफ़ी मूवीज़ में या फिर आप ये प्री वेडिंग में देखे होंगे घोड़े दौड़ के आते हैं। और हमने यहाँ से एंटर किया, जो कि आप समझ सकते हो कि मेन एंट्रेंस है कुंभलगढ़ का भैरव पोल से। सोच रही हूँ यहाँ फोटो क्लिक करा लूँ, अच्छी आई है, लेट्स सी। तो वहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराए, फिर बारी बारी हमने इसको गोदी लिया और थोड़ा ऊपर चढ़े, क्योंकि ये लेवल में बना है और हर लेवल से जो व्यू है ना बहुत अच्छा होता जा रहा था। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई थी कि मेरा उस बैग में जो हमारी अम्ब्रेला थी धूप से कवर करने के लिए, वो गाड़ी में रह गया। और भाई जो धूप चढ़ती जा रही थी, हमारी तो हालात ख़राब हो ही रहे थे, चढ़ते चढ़ते गुन्नू का भी ऐसे हो रहा था। तो आप मेरी शक्ल से भी देख ही सकते हो कि सांसें अब ऐसे ऊपर ही चढ़े जा रही थी, और हम ज़्यादा सामान कैरी करके ऊपर चढ़ ही नहीं पाते हैं। पहले के लोग पता नहीं डेली रूटीन में कैसे ही चढ़ते थे, और ऐसे करते करते हम ऊपर पहुंच गए। और जब सेकंड गेट आया ना, तो एक अंकल जी बैठे थे, वो नीचे से पानी लेके आते हैं और यहाँ टूरिस्ट को पिलाते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से इनको कुछ पैसे भी दे सकते हैं। तो ये फिर जब सेकंड लेवल पे आए, तो ऐसे रूम्स बने हुए थे, इनके अंदर तोप रखी हुई थी। और फिर मुझे सबसे मेन जो विजिट करना था, ये कुंभा महल ही विजिट करना था, क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुंभा ऑलराउंडर राजा थे, इनका बहुत सुंदर ऐसे हर चीज़ में वो कामयाब इंसान थे। तो मुझे देखना था इनका घर भी कैसा था। कितने हट्टे गट्टे हुआ करते थे, लंबे लंबे, तभी हाइट कम होती है ना। ये सारा कुंभा पैलेस, छोटी छोटी गेट थे, और वो कुंभा की जो हाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो उनके हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो मतलब कैसे एडजस्ट होते होंगे ना इतने छोटे में। आई थिंक ये रूम होगा, पर्सनल रूम होगा। और व्यू देखिए भाई साहब, इसीलिए ये कुंभलगढ़ में इतनी होटल्स बनी है सिर्फ व्यू के लिए। उदयपुर में भीड़ हो गई है, कुंभलगढ़ कम आते हैं, तो लेकिन ये अभी टूरिस्ट के मामले में बूम होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है कुंभलगढ़। फिर हम वहाँ से निकले, तो ये देखिए फिर से चढ़ाई आ गई, ऐसे लेवल्स पे बना हुआ है, चढ़ते जाओ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर चढ़ो फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। हम फिर थोड़े और चढ़े, हमें लगा ये लास्ट आ गया है, लेकिन हमें वहाँ खड़े होने के बाद ऊपर से दिख रहे थे कि हमसे भी ऊपर लोग कुछ खड़े हैं, तो हम वहाँ गए। तो हमने इधर उधर देखा, और गुन्नू हमारा कैसे भी उसको लटका लो पटक लो, उसको घूमने से मतलब है,
और यहाँ से जो स्काई का व्यू है, ओ माय गॉड, बहुत सही व्यू था। यहाँ से हमने ये देखे, ये लोग देखे थे, तो हमें लगा कि नहीं इससे भी ऊपर जा सकते, तो हम फिर यहाँ से फटाफट ऊपर गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे ऊपर आते आते। तो जैसे तैसे हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे। ये कोर्टयार्ड बना हुआ था, यहाँ से जो ये फोर्ट है इसमें रेनोवेट बहुत हो रखा है, वो पुरानी वाली फील कम आ रही थी, ये अभी की फील आ रही थी। नीचे तक वो ऑथेंटिक किला लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि इनका मंदिर भी है। आई थिंक यहाँ पे कोई झाड़ूला मतलब बाल देने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पे काफ़ी रेनोवेट हो रखा था और मेंटेन किया हुआ था। और हम यहाँ से देखने के बाद हमें फिर और ऊपर जाना था, हमें पता नहीं था ऊपर कुछ है नहीं है। और यहाँ पे इंडोर ऐसा कुछ नहीं है कि सीढ़ी लगी है, किसी की स्टोरी लगी हुई है कि कुंभा जी की क्या स्टोरी थी या फिर महाराणा प्रताप इंडोर, लेकिन नहीं। बट अच्छा लग रहा था, जो एक्सटीरियर था और मेंटेन करवा था वो भी अच्छा था। फिर हमें लगा ये हमारा लास्ट लेवल है, हमारा व्यू ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। फिर हमें पता लगा इसके बैक क्या, जो बैक साइड है वहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़ के वो लास्ट पॉइंट है, तो हम वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे। ये देखो एकदम रेलिंग लगी हुई है, छोटी सी ऐसे गलियारा है, और ये लास्ट पॉइंट था। ये कुंभलगढ़ फोर्ट का यहाँ से चारों तरफ का क्या व्यू आ रहा था, एक तरफ मेवाड़ दिख रहा था, एक तरफ मारवाड़ क्लियर दिख रहा था। जो पार्टीशन है कि पहाड़ वाला मेवाड़ है और प्लेन वाला मारवाड़ है, वो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, आपको फ़ोन में भी नज़र आएगा। ये मैंने जूम किया, ये देखिए जो पहाड़ वाला, ये सारा मेवाड़ में कवर होता है, उधर वाला मारवाड़ में कवर होता है। और हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर वहाँ निकलते टाइम की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ ऐसे एक सरकारी शॉप बनी हुई होती है जो कि कपड़े देते हैं, मैंने यहाँ से तो नहीं खरीदा, लेकिन ऐसी शॉप उदयपुर में थी, वहाँ से मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें ली थी, तो मैं उस व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब कुंभलगढ़ से वापस निकलते तो यहाँ जिप लाइन दो तरह की का है, तो हमने सोचा क्यों ना कर ली जाए, तो हमने बारी बारी जिप लाइन किया। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया था, पहले तो मैं डर रही थी लेकिन फिर तो अच्छा खासा लेंथ वाली जिप लाइन थी, तो हमने पहले थोड़ा भुजिया खा ले, फिर ये अच्छे से हार्नेस एंड ये सिक्योरिटी का पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पूरा कवर करते हैं, हेलमेट और सब पहनाते हैं। और उसके बाद पता चला कि यहाँ से स्टार्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर चढ़ के है, मुझे वाइट एरो फॉलो करना था, और वो भाई फोर्ट विजिट करने के बाद ये पैदल चलना बहुत ज़्यादा था। इधर से चलना आप मेरी शक्ल देख के पता लग रहा होगा, था ये 100 मीटर ही, लेकिन चढ़ना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था मुझे। तो जैसे तैसे मैं गई, ऐसी जिप लाइन में पहले एक भैया चाहते ताकि वहाँ रोक लगाएं, मैं उड़ के जाऊँ तो मुझे रोक पाए। फिर यहाँ सिग्नेचर करा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसा क्या सिग्नेचर करा रहे, मारोगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होता। सिग्नेचर किए, फॉर्मेलिटी पूरी की, पैर हवा में ले लो अपने दोनों, आगे चली गई तो मैम जाओगे तो उधर ही, पैर ले लो ऊपर, उठाओ पैर, फिर हम गए परशुराम जी के मंदिर, वहाँ कल्प वृक्ष, कदम वृक्ष एंड रुद्राक्ष वृक्ष थे, तो हम कल्प वृक्ष गए। इंडिया में एक दो तीन ही हैं, उसमें से एक कुंभलगढ़ में, हमने वहाँ जाके अपनी विश मांगी एंड वहाँ थोड़ा घूमे, और वहाँ पास में होटल था ढाबा टाइप, तो हमने वहाँ मैगी खाया, लंच किया, जितना भी मिला चटपट खाया, एंड वहाँ से हम निकल गए। फिर भैया पूरा जंगल थोड़ा सफारी कराया, दो तीन पॉइंट देखे, फिर हम अपने होटल चले गए, और वहाँ से हमने थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया, और वहाँ से हम निकल गए उदयपुर के लिए। ये वही मारवाड़ मेवाड़ देख रहे थे, और सारे पॉइंट्स देख के हम थक चुके थे, दो तीन पॉइंट बाकी रहे थे, हमने वो विजिट नहीं किया, और फिर हम उदयपुर के निकल गए। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने उदयपुर में क्या क्या किया, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू तो पूरा देखो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अच्छा लगता है यार, और बनाने का वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो बाय बाय, और जो कुंभलगढ़ से उदयपुर का रास्ता था वो भी अच्छा था, बीच में थोड़ी देर
अच्छा कच्चा पच्चा रास्ता आया, लेकिन उसके बाद काफ़ी सही रास्ता था। तो हम उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और ये हमारे गाड़ी में बैठते ही नींद लेते हैं। ये देखिए, अगेन बाय बाय।